यातायात के नियमों का पालन। यातायात। यातायात के नियमों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हम जब भी घर से बाहर सड़क पर जाते हैं, बाजार जाते हैं, विद्यालय जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो हमें यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे हमें चोट लगने से बचाव होता है और हम सुरक्षित रहते हैं। कौशल, रेखा और शोभा तीनों भाई बहन हैं। कौशल तीसरी कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहनें रेखा और शोभा क्रमशः दूसरी और पहली कक्षा में पढ़ती हैं। वे तीनों रोज पैदल ही विद्यालय जाते हैं। कौशल, रेखा और शोभा की माँ उन्हें प्रतिदिन यातायात के नियमों का पालन करने की याद दिलाती रहती हैं। माँ पूछती हैं, कौशल, रेखा और शोभा, तुम्हें यातायात के नियम याद है ना? वे तीनों, हाँ माँ, हमें याद हैं। फिर तीनों विद्यालय से घर निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में ट्रैफिक लाइट मिलती है। कौशल रेखा को बताता है कि लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है, पीली बत्ती पुनः जाने के लिए तैयार होने का संकेत देती है और हरी बत्ती जाने का संकेत देती है। इस तरह वे ट्रैफिक लाइट के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें रोड पर जेब्रा लाइन दिखाई देती है। कौशल छोटी बहन से कहता है, शोभा, सड़क पार करते समय पहले अपने चारों ओर देख लेना चाहिए, फिर पैदल चलने के लिए जेब्रा लाइन के ऊपर से ही सड़क पार करनी चाहिए। इस तरह वे अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। शाम को जब वे वापस घर आते हैं तब माँ, बच्चों, तुमने यातायात के नियमों का पालन किया? बच्चे, हाँ माँ, हमने आपके बताए यातायात के नियमों का पूरी तरह पालन किया। माँ, बहुत अच्छे, चलो अब हाथ मुंह धोकर भोजन करो। संकलित।